हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल के हीरो के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हंसते हंसते अपने जानों को इस वतन पे न्यौछार कर गए, जो कि एक वीर बहादुर सैनिक थे। ऐसे वीर सपूत को नमन है जिन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ के इंडियन आर्मी ज्वाइन की। इनके भाई भी थे लव और कुश। ये देखिए, इनके दोनों भाई हैं, एक का नाम विशाल, एक का नाम विक्रम बत्रा था। इन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ के इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। इनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, इनको कुछ पाने का मतलब जुनून था, ये कुछ पाने का एकदम जुनून लगते थे। और इनका जन्म पालमपुर में हुआ था 9 सितंबर 1974 में। इनकी पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा था और इनकी माता का नाम कमलकांत बत्रा था। और इनके भाई थे जो जुड़वा थे, ये दोनों 15 मिनट के आगे पीछे पैदे हुए। ये दोनों भाई के माता पिता का नाम लव और कुश रखा। लव बड़े भाई का नाम विशाल, छोटे भाई का नाम विक्रम बत्रा था। और ये अपनी पढ़ाई सेंट्रल स्कूल से ही की। उसके बाद इन्होंने मर्चेंट नेवी निकाल लिया। उसके बाद इन्होंने एनसीसी में बेस्ट क्रेडिट चुने गए। मर्चेंट नेवी निकालने के बाद बहुत कठिन परिश्रमों से मर्चेंट नेवी निकाले, लेकिन उनको ये नौकरी करने का मन नहीं था। फिर इन्होंने अपने माँ से बोले कि मुझे नौकरी नहीं करना है। फिर इसके बाद इन्होंने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ के इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहा। इसके लिए इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए चले गए। उसके बाद इन्होंने वहीं डिम्पल से मुलाकात की। फिर उसके बाद उन्होंने उनसे प्यार भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने उनसे ही शादी भी करना चाहा। फिर इन्होंने एक इंडियन आर्मी सेलेक्टेड हो गए। इंडियन आर्मी 6 महीने ट्रेनिंग के बाद इन्होंने कमीशन इनटू 13 बटालियन ऑफ जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन हो गए। कैप्टन बनने के बाद इनको लेफ्टिनेंट भी बना दिया गया। लेफ्टिनेंट बनने के बाद मिलिट्री करियर की इनकी शुरुआत हो गई। करीब 1999 के युद्ध में इन्होंने शेर शाह इनका सिग्नल ए दिल मांगे मोर था। ये दिल मांगे मोर हर जगह एकदम आग की तरह फैल गया। दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, कैप्टन विक्रम बनना की। Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said to me, my code name was Shesha. Oh, Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. Okay, how dare a Pakistani troop can challenge us? फिर विक्रम बत्रा ने वहाँ पे जीत दर्ज की। और वहाँ पे जीत दर्ज करने के बाद इन्होंने बोला था कि या तो मैं तिरंगा फहरा के आऊँगा या तिरंगा में लिपट कर आऊँगा। विक्रम बत्रा की ये बात आखिर सच हो गई। आखिर उनको भारत का परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि एक गर्व की